तक हमारे दिल का अंदर का यकीन ये ना हो कि इस्लाही दावत से बढ़कर अल्लाह के कुर्ब का कोई जरिया नहीं है। समझते थे जितने बुरे से बुरे हाल के पास जाओगे अल्लाह ताला को इतना ज्यादा करीब पाओगे। यहाँ तो अल्लाह मुझे माफ फरमावे, साथियों का जज्बा यह है कि किसी तरह खवास को काम में लगा लो, किसी तरह खवास को काम में लगा लो। यह सच्ची अर्ज करता हूँ, खवास से मुलाकातें और खवास को काम का कायल करना, इसमें अल्लाह की वो मदद नहीं है जो इंतहाई कसमा खुद और बदहाल लोगों के पास जाने में अल्लाह का कुर्ब हासिल होगी। अल्लाह ताला क़यामतें बराह रास्त फरमाएंगे बगैर किसी तर्जमान के, बराह रास्त फरमाएंगे, ए मेरे बंदे मैं भूखा हुआ तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं नंगा हुआ तूने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, मैं बीमार हुआ तूने मुझे आयादत नहीं की। उन्होंने कहा ए अल्लाह आज खिलाने वाले, पिलाने वाले, पहनाने वाले, शिफा देने वाले आप कैसे बीमार हो जाते, आप कैसे नंगे हो जाते, आप कैसे भूखे हो जाते। अल्लाह ताला फरमाएंगे ना कि फला नंगे के पास जाते तो मुझे वहां पाता और फला भूखे के पास जाते तो मुझे वहां पाता। आजकल हमारी तबीयतें इस तरफ जा रही हैं कि अगर खवास और बड़े लोग इस काम से जुड़ जाए तो अल्लाह की मदद आ जाएगी और काम खुल जाएगा। हालांकि काम का खुलना तो अल्लाह की मदद से है और अल्लाह ताला की मदद वो उमूमी मेहनत में है, उमूमी मेहनत में अल्लाह की मदद। इस नबी से जिसका मुतालबा किया गया कि आप खवास को जोड़ लीजिए और आवाम को जरा एक तरफ कर दीजिए, जिस नबी से जिसका मुतालबा किया गया कि आप खवास को जोड़ लीजिए आवाम को एक तरफ कर दीजिए, आप जो मानने वाले एक तरफ हो जाए और न मानने वाले आपके करीब आ जाए, क्योंकि ये तो आपके मान चुके हैं, अब इनका कोई मसला नहीं है, अब तो मसला उनका है जो मानते नहीं है। तो नबी ने जवाब ये दिया कि अगर मैंने इनको हटा दिया इनकी वजह से, मानने वालों को हटा दिया न मानने वाले की वजह से और न मानने वालों की तवज्जो ज्यादा कर ली मानने वालों के मुकाबले में, तो मेरी मदद फिर अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं करेंगे। अम्बिया अलैहिस्सलाम यकीन रखते थे इसका कि अल्लाह ताला की मदद का जो असल सरमाया और सबब है वो ये आवाम उन्नास है। एक मरतबा रुसाए मुशरिकीन ने मुतालबा किया आपसे कि हम चाहते हैं कि हमारा एक जोड़ रखा जाए। मैं कहा करता हूँ जामुद्दीन ने बहुत एहतमाम से कहिए खवास का जोड़, खवास का जोड़ इसने हमारी नजरें यानी आवाम से ऐसी फेर दी और उमूमी काम के दर्जे को नीचे कर दिया और खसूसियत को ऊपर कर दिया है। रोसा मुशी ने मुतालबा किया कि हम आपकी बात सुनना चाहते हैं लेकिन हमारी शर्त यह है कि ये फकराए सहाबा सलमान बिलाल सुहेब ये नहीं होंगे। आपको ख्याल ये हुआ कि क्या हरज है अगर खवास में या मेरी बात सुनने और मेरी बात मानने, क्योंकि उनके भी आपकी ईमान की हिस्सा है, ये तो नौज़ुबिल्लाह है नहीं कि आप उनसे इसके अलावा कुछ कुछ और जाते हैं। आप सिर्फ उनके ईमान लाने के हक में ईमान ले आने किसी तरह बात सुनने आपने जो ऐसा है मुशरिकीन का जोड़ शुरू किया और अब साहब ने फरमा दिया कि जिस वक्त ये आए उस वक्त तुम ना आया करो। इन्होंने कहा नहीं जी हमें आप लिख कर दीजिए कि जिस वक्त हम आएंगे ये आपके ये साहब नहीं आएंगे, मैं आगे लिखो सही सही लिखी गई दस्तखत किए गए और तय हो गया कि ये वक्त रोसा मुशरिकीन का है। वो लोग आए आकर बैठे, बात आपने शुरू की, उनसे बात करनी शुरू की, अभी बात शुरू हुई थी कि एक नामी ना साहबी अब्दुल्लाह इब्न उमर मक्तूम वो आ गए उसी के दरवाजे पर और वहीं से चीखे, नंदे थे नजर आता नहीं था, वहीं से चीखे
علمني يا رسول الله بما علمك الله. اب بس آپ سے غصہ آیا ان جانے کہ جب کہہ دیا گیا کہ اس وقت تم لوگ مت آیا کرو, یہ خواص سے جوڑ ہو رہا ہے, تم اس وقت کیوں آئے؟ ادھر تو آپ کو ناگواری ہوئی ان کے آنے پر, ادھر جبرائیل آئے عبسہ لے کر کہنے کی جی جو شوق سے رغبت سے سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اس سے تو آپ نے آپ کی پیشانی بند پڑ گئے, آپ کو ناگواری ہوئی, آپ نے چہرہ کھٹا کر لیا اس کی طرف سے, اور جو سننا نہیں چاہتے ان کے لیے آپ کوشش میں ہیں, آپ پر اللہ کی تنبیہ ہوئی اس پر. اب میں علی کہاں ہو کاغذ کہ یہ ہے کہ پھاڑ دیجیے, ہمارے جو بھی معاہدہ نہیں, آپ کا حکم ہوا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان رکھیے جمع کر جو دن رات اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں لگے رہتے ہیں, اس کو خوشی میں لگے رہتے ہیں,